केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख दोनों यूनियन टेरिटरीज के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की एक बेंच जम्मू में नोटिफाई करती है, इसके बारे में जम्मू कश्मीर के लोगों की भी मांग थी और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से भी ऐसा कहा गया कि चीफ जस्टिस की तरफ से भी डिमांड की गई थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी फाइल हुई। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो केंद्र सरकार ने कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के जो सरकारी कर्मचारियों के मामलों को निपटाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो नोटिफाई किया था वो चंडीगढ़ बेंच में किया गया था और उसके बाद ये जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से शिकायत थी कि ये बहुत दूर होगा और जम्मू कश्मीर में ही कहीं बेंच नोटिफाई की जानी चाहिए और उसके बाद केंद्र सरकार ने अब जम्मू में कैट की जो बेंच नोटिफाई की है और सरकारी कर्मचारियों के जो मामले होंगे वो अब जम्मू में सुने जाएंगे, चाहे वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के मामले हो चाहे वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी के मामले हो।